एक बहुत बड़ी खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। बताया जाता है कि इस साल की सबसे बड़ी साइबर चोरी हुई है, जिसमें सिंगापुर की संस्था आईबी का खुलासा हुआ है। आईबी ने यह खुलासा किया है कि 12 लाख भारतीयों के क्रेडिट डेबिट कार्ड का डेटा चोरी करके हैकर इसे ऑनलाइन बेच रहे हैं। कुल मिलाकर इस चौंकाने वाली जानकारी आने के बाद सभी को यह भय लग रहा है कि कहीं उनके और डेबिट क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ी चोरी तो नहीं कर ली जाएगी, उसमें से पैसा गायब तो नहीं हो जाएगा। 12 लाख से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होना बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका डेटा ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये इस साल की सबसे बड़ी हैकिंग है। डेटा की शुरुआती जांच में पता चला कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ट्रैक 2 डेटा भी चोरी हुआ है, जो कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप में होता है। इसमें ग्राहक की प्रोफाइल और लेन देन की सारी जानकारी होती है। ट्रैक 1 डेटा में सिर्फ कार्ड नंबर ही होता है, जो सामान्य है। सिंगापुर की साइबर डेटा एनालिसिस करने वाली नामी संस्था ग्रुप आईबी के अनुसार हैकर्स की वेबसाइट जोकर स्टेश पर 13 लाख बैंक कार्ड की बिक्री हो रही है, और इनमें से 98% भारतीयों के हैं, जिसमें से 18% एक बैंक के हैं। हालांकि इस बैंक का नाम नहीं बताया गया है। हर्ट कार्ड का डेटा 7,000 रुपये में बेचा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि हैकिंग के अलावा डेटा ATM या POS में स्कीमर से भी चुराए गए हैं। सवाल इस बात का भी है कि जोकर्स स्टेश एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां अपराधी पेमेंट कार्ड डिटेल्स की खरीद फरोख्त करते हैं, कार्ड की क्लोनिंग करके पैसे चुराए जाते हैं। ये दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के कार्ड हैक कर चुके हैं। इस ग्रुप की ताकत इतनी अधिक है कि ट्रंप प्रशासन के अफसरों के सोशल सिक्योरिटी नंबर तक ये लोग बेच चुके हैं। कुल मिलाकर इस खबर के आने के बाद सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डरों में खलबली मच गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका रुपया भी हैकर्स गायब कर देंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।